नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षु क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने एच डी यादव की बुक से क्वेश्चन नंबर 95 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से 115 तक के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आज की क्लास में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का निपटारा आज की क्लास में हम लोग कर देंगे। फिर कल से हम लोग एट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम दो वीडियोस में खत्म कर देंगे। जिसे हम कितनी वीडियो आएंगे इसकी, दो वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, सॉरी, दो वीडियो में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से क्वेश्चन नंबर 115 तक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंदर किस पे आधारित प्रश्न है, वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जैसे आपको दिया जाएगा 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के का, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाएगा, टोटल दिया जाएगा। उनमें से आपसे कुछ भी निकलवा सकता है जो हम क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 अगर आपके समझ में नहीं आता थोड़ा सा भी, तो पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 98, दो तीन क्वेश्चन करवाने के बाद आपकी बुद्धि में बिल्कुल सेट हो जाने वाला है इस प्रकार का प्रश्न। आप देखते ही सीधे इसी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 से आज की वीडियो की शुभारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने रुपए के सिक्के हैं? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए गए हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स कितने के अनुपात में? 5:6:8 यहाँ पर क्या आएगा? टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा? टोटल ऊपर देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए? 5:6:8 के अनुपात में दिए गए। हमें निकाला टोटल। इसमें पूछा गया, दिया गया कुल राशि 240 रुपए है। टोटल राशि कितनी है? 240 रुपए। टोटल राशि कितनी दी गई है यहाँ पर? 240 रुपए। टोटल राशि दी गई 240 रुपए। हमें पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों, एक बात को याद रखिए, या तो हमें इनको सभी को पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा या रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 रुपए को पैसे में से पैसे में बदलिए तो कितना आ जाएगा? 100 पैसे। तो 100 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए हमारे पास? 500 पैसे। कितने पैसे हो गए? 500 पैसे। प्लस 50 पैसे के 6 सिक्के कितने हुए? 300 पैसे। 300 पैसे और 25 पैसे के 8 कितने हुए? 48। 4 8 16 16 4 20, यानी 200 पैसे। 200 पैसे हमारा टोटल निकल गया। कितना आ गया? 503 800 802 1000। हमारे पास कुल कितने पैसे हैं? 1000 पैसे। हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं? 1000 पैसे। क्वेश्चन में कितने दिया गया है? 240 रुपए। 240 रुपए को पैसे में बदलिए तो 100 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाए? इसे काटिए, 3 0 से 3 0 खत्म, तो 1 पैसे की वैल्यू कितनी आ गई? 24 रुपए। 1 पैसे की एक पैसा कितने के बराबर होगा? 24 पैसे के बराबर। 1 पैसा 24 पैसे के बराबर। अब आपसे पूछा गया कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे क्वेश्चन में अनुपात में कितने दिए गए? 8। अनुपात में कितने दिए गए? 8। और हमारे कितने 1 पैसे की कीमत कितनी है? 24 पैसे के बराबर। तो कितना आ गया? 25 पैसे कितने आ गए? 25 पैसे। तो 25 पैसे कितने आ गए? 24 गुना 8 कितने आ गए? 8 4 32, 3 8 8 2 16 16 3 कितना हो गया? 19, यानी 192। कितने 25 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास? 192। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 192। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 192। दोस्तों, आशा करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो देखिए। दोस्तों, हमको दिया गया 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया? 5:6:8। 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया? 5:6:8। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है कुल धनराशि हमारे पास कितनी है? 240 रुपए। कुल धनराशि हमको दी गई 240 रुपए।
अब हम अपना अनुपाती अनुपात से कितना निकालेंगे कुल धनराशि, तो एक रुपए सबको पहले या तो पैसों में कन्वर्ट करिए या हमको उसके कॉमन हमको या फिर पैसों में या फिर रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने पैसों में कन्वर्ट कर लिया, तो एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 100 पैसे 100 पैसे 5 सिक्के, तो हमारे पास कितने पैसे हो गए टोटल 500 पैसे। 50 पैसे के 6 सिक्के तो कितने हो गए 300 पैसे। 25 पैसे के 8 सिक्के तो कितने हो गए 200 पैसे। कितने हो गए 200 पैसे। अब इसके बाद ये हमारा टोटल कितना आ गया अनुपाती अनुपाती को कितना आ गया टोटल 1000 पैसे। हमको कितना दिया है 240 रुपए। 240 रुपए को पैसा में बदल लेंगे 240 × 100, तो यहाँ से काट दिया 1 पैसे की वैल्यू कितनी आएगी 24 पैसे। तो 25 पैसे की संख्या कितनी है 24 × 8, अनुपात में कितनी है 8, कितने गुणा 24 × 192। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 192। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा हिंट डाल लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़िए, मैं तब तक थोड़ा हिंट डाल लेता हूं इसमें। चलिए दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 97 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं। कितने रुपए के सिक्के हैं 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, जिसमें से कुल धनराशि कितनी दी गई 640 रुपए। कुल धनराशि कितनी है, नंबर ऑफ कॉइंस हमसे हमको भी पता नहीं है, तो टोटल कितना दिया गया 640 रुपए। टोटल कितना दिया गया 640 रुपए। आपको दिया गया नीचे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी नंबर ऑफ कॉइंस का अनुपात कितना दिया गया 1:1:1। नंबर ऑफ कॉइंस का अनुपात कितना दिया गया 1:1:1। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं टोटल नंबर अनुपात में कितना आ गया, तो 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सब रुपए में है, तो रुपए में रहने दे रहा है। अगर पैसे में होते कुछ रुपए में कुछ पैसे में, तो हम उसे एक जैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर भी एक जैसे हैं, तो 1 रुपए का 1 सिक्का कितना हो गया 1, 5 रुपए का 1 सिक्का कितना हो गया 5, और 10 रुपए का 1 सिक्का कितना हो गया 10। तो हमारा कितना आ गया ये 16। 16 का मान 16 रुपए का मान कितने के बराबर है 640 रुपए। 16 रुपए का मान 640 रुपए, 16 × 64 कितने गुना है 40 गुना, कितने गुना 40 गुना। तो आपसे जो कुछ भी पूछेगा वो सब कुछ 40 गुना होने वाला है। तो आपसे पूछा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो नंबर ऑफ कॉइंस कितने 1, 2, 3। नंबर ऑफ कॉइंस कितने 3, तो 3 × 40, तो टोटल कितने हुए 3 × 40 यानी 120। यानी कितना हो गया 120। टोटल कितने 120 नोट, कितने हुए 120 नोट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए 120। आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनमें से नंबर ऑफ कॉइंस और यहाँ पे आ जाए टोटल, नंबर ऑफ कॉइंस और यहाँ पे आ जाए टोटल। तो कितना दिया गया थैले में 50 पैसे, जिनकी कुल संख्या 175 है, टोटल कितना दिया गया 175 रुपए। टोटल कितना दिया गया 175 रुपए। सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ कॉइंस टोटल कितने 175। नंबर ऑफ कॉइंस टोटल कितने दिए गए 175। टोटल कितने दिए 175। आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ कॉइंस कितने दिए 175। टोटल कितने 175। आगे दिया गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यानी अनुपात कितना हो गया 1:1:1 मूल्यों का अनुपात कितना हो गया 1:1:1। अब दोस्तों आप इनसे सिक्कों का अनुपात निकाल सकते हैं, 1 रुपए में टोटल रुपए 1, हमको निकालना है 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे 1 सिक्का। 50 पैसे में 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2, तो 2। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4,
एक रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल अनुपातिक टोटल कितना आ गया, अनुपातिक टोटल कितना आ गया 4 और 2 6 और 1 7, 7 का मान किसके बराबर है 175 के बराबर, 7 का मान किसके बराबर है 175 के बराबर। अब ये कितने होना है आप देख लीजिए, 7 2 14 कितना बचा 3 और 7 5 35 25 गुना है। और आपसे जो भी कुछ पूछा जाएगा वो सब कुछ 25 गुना होने वाला है। थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, तो कुल मिलाकर मूल्य कितना है यहाँ पर 3, अनुपात में कितना 3, ये भी कितने गुना हो जाएगा 25 गुने, तो कितना हो जाएगा 25 के 75 आंसर आएगा आपसे 75 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 75 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के हैं, टोटल कितने 121 रुपए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है टोटल मूल्य कितना है 121 रुपए, टोटल मूल्य कितना दिया गया है 121 रुपए, जिसमें पूछा गया 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसके अंदर दिया गया है 1:2:3 के अनुपात में है, किसके अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है। दोस्तों यहां से टोटल निकालेंगे और जो क्वेश्चन में टोटल दिया गया उससे तुलना कर देंगे, तो यहां से टोटल कितना आएगा 100 पैसे, टोटल पैसे में बदल लीजिए कन्वर्ट, यानी कुछ तो 1 रुपए में दिए गए कुछ पैसों में दिए गए, तो पैसों और रुपयों में अलग अलग कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो एक चीज में कन्वर्ट करिए पैसों में या रुपयों में, तो हम पैसों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 पैसे तो 1, तो 100 पैसे प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के यानी 100 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 75 पैसे, यानी 75 पैसे कितना हो गया 275, 275 पैसे किसके बराबर है 121 गुना 100 पैसे के बराबर। आप इसे काटिए 25 से, आप इसे काटिए 25 से, तो 25 से कितनी बार कटिए एक बार, 25 से कितनी बार कटिए एक बार, इसे 25 से काटिए 4 बार और इसे 11 से काट लीजिए 11 बार, तो 1 पैसे की कीमत कितनी आ गई 44 पैसे, 1 पैसा बराबर कितने गए 44 पैसे। तो आप जो कुछ भी आपसे पूछा गया वो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के कितने सिक्के 1, तो कितना आ गया 44, तो कितना आ गया 44, 2 सिक्के हैं तो कितना आ गया 44 गुना 2 88, 44 गुना 2 88 और 3 है तो 3 44 गुना 3, 44 गुना 3 कितना आ गया 132, कितना आ गया 132, यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 44 88 और 132, कितने सिक्के हैं 1 रुपए के सिक्के 44, 2 50 पैसे के कितने 88 और 25 पैसे कितने 132 सिक्के। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हमको, दिए गए हैं इसमें 280 सिक्के, कितने सिक्के हैं 280, 280 और टोटल कितना दिया गया है, टोटल का अनुपात कितना दिया गया है, देखिए टोटल का अनुपात दिया गया है 8:4:3, 8:4:3, 8:4:3 टोटल कितना 8, 8 में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 8 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के होंगे तो 8 सिक्के होंगे, 50 पैसे 4 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होने वाले हैं तो 8, 1 रुपए में कितने हो गए 2, 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 2, तो 4 रुपए में कितने हो गए 8, 25 पैसे 1 रुपए 25 पैसे कितने होते हैं 4, 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के 1 रुपए में, तो 3 रुपए में कितने हो गए 4 या 12, तो कितने हो गए 12, 12 और 8 20 और 8 28, तो 28 की वैल्यू किसके बराबर 280, 28 की वैल्यू किसके बराबर 280, 28 की वैल्यू किसके बराबर 280, कितने गुना 10 गुना, तो आपसे अब देखिए जो कुछ पूछा गया वो सब कुछ 10 गुना होने वाला है। आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी गई 8, 8 भी कितने गुना हो जाएगी 10 गुना, तो 8 गुना 10 कितना हो जाएगा 80, कितने 50 पैसे कितने सिक्के 80 सिक्के। आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101
क्वेश्चन नंबर एक से दिया गया 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, कितने हैं 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है आपके पास 25 पैसे 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के, सिक्कों का अनुपात है 1:2:3, अनुपात कितना दिया गया 1:2:3, ठीक है टोटल निकालिए टोटल कितना हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ कॉइंस, टोटल निकालिए 25 पैसे यानी 25, ठीक है प्लस 5 पैसे यानी 10 पैसे प्लस 30 पैसे, प्लस हो गया 30 पैसे, 30 और 10 40, 40 और 20 60 और 65, 65 टोटल कितने हो गए 65 पैसे, टोटल कितने हो गए 65 पैसे। अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया कुल मान किसके बराबर 30 रुपए के बराबर, कुल मान किसके बराबर 30 रुपए, 30 रुपए को पैसे में बदलिए तो कितना होगा 30 × 100, अब काटिए इसे 65 को काटिए 5 से, 5 से कितनी बार करके 65 13 बार, 13 पन्ना 65, 5 से कितनी बार करके 6 बार, कितनी बार करके 6 बार, अब कितना है 13 पैसे की वैल्यू किसके बराबर 100 पैसे के बराबर, 13 पैसे की वैल्यू किसके बराबर 100 पैसे के बराबर, 13 पैसे की वैल्यू किसके बराबर 100 पैसे के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन में देखिए एक थैले 25 पैसे 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, सॉरी दोस्तों दोबारा देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया लिखने में, दोबारा देखिए 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी गई 1:2:3, 1:2:3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल देखिए कितना हो गया 25 पैसे 20 पैसे और 15 पैसे, 25 पैसे 20 पैसे 25 पैसे 15 पैसे, ठीक है टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया हमारा 15, 15 और 10 हो गए 15, 25 कितना हो गया ये कितना हो गया 20, 5 × 10 हो गया 1 कह रही और 2 × 4 = 5 = 6 यानी 60 पैसे, 60 पैसे की वैल्यू किसके बराबर 30 पैसे, 30 पैसे यानी 100, तो 30 × 100 तो 1 पैसे की वैल्यू किसके बराबर आ गई 50 पैसे, 1 पैसे की वैल्यू बराबर आ गई 50 पैसे। अब आपसे पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यहां पे कितने 50 पैसे हैं 3, सिक्कों की संख्या कितनी 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो 3 × 50 कितना आ गया 150 सिक्के, कितने आ गए 150 सिक्के, 50 पैसे कितने सिक्के हैं 150 सिक्के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है, यदि इनका मूल्य 102 हो तो 10 पैसों की संख्या, दोस्तों सेम क्वेश्चन है आप इसे स्वयं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, 130 रुपए की धनराशि, 130 रुपए की धनराशि, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है 130 रुपए की धनराशि, 50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के समान सिक्के हैं, 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो सिक्कों का अनुपात कितना आ गया 1:1:1, ठीक है। अब आपसे टोटल निकालिए 50 पैसे कितना हो गया 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे कितना हो गया 50 और 10 60 और 5 65, 65 पैसे की वैल्यू किसके बराबर है 130 रुपए, 130 रुपए को पैसों में बदलेंगे तो कितना आ गया, अब इसे काटिए 13 से, 13 से कितनी बार कट गया 165 से 130 कितनी बार कटे 2 बार, तो 1 पैसे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पैसे की वैल्यू कितनी आ गई 200 पैसे, 1 पैसे की कीमत किसके बराबर 200 पैसे के बराबर, तो जो भी कुछ पूछा गया उसे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी प्रत्येक प्रकार की, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर 200 के बराबर, तो आंसर कितना होगा 200, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए 200, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 104, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोटों का मूल वर्ग कितना 480, टोटल कितने के सिक्के हैं 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, क्वेश्चन नंबर देखिए 104, क्वेश्चन नंबर 104,
एक व्यक्ति के पास, एक आदमी के पास एक रुपए, पांच रुपए और दस रुपए, एक रुपए पांच रुपए, एक रुपए पांच रुपए और दस रुपए, दस रुपए के सिक्के हैं जिनका टोटल कितना दिया गया 480। नोटों की संख्या समान है यानी अनुपात कितना है, एक अनुपात एक, तो कितना हो गए एक एक प्लस पांच प्लस दस, सोलह की वैल्यू किसके बराबर है 640 के बराबर, 480 के बराबर, सोलह की वैल्यू किसके बराबर 480, सोलह तीस 48 यानी 30 गुना। अब आपसे जो भी कुछ पूछा गया है वो सब कुछ 30 गुना होने वाला है। उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, नोटों की कुल संख्या कितनी है 3, नोटों की कुल संख्या कितनी है 3, तो 3 का मान कितना हो जाए 30 गुना यानी 90। टोटल संख्या कितनी है उसके पास नोटों की, 90। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, इनकी संख्या उसी क्रम में है 8:5, 5:3 के अनुपात में है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं करिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता हूँ 106। दोस्तों अब 106 से जितने भी क्वेश्चन है वो किस पर दिए गए, आय खर्च और व्यय, आय खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न, आय खर्च और बचत, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, सेविंग पर आधारित प्रश्न, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। दोस्तों इसका बेसिक क्या है, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर खर्च गुणा खर्च प्लस बचत, आय जो है खर्च और बचत के योगफल के बराबर होती है, आपको उसे इतना याद रखना है। चलिए हम सीधे क्वेश्चन के मुंह करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 106 दिया गया है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी ए और बी की आय का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 106 ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और बी और सी की आय का अनुपात बी 3:6 है, तो इनकी कंबाइंड आय का अनुपात निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, कैसे निकालेंगे स्टेट मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस, देन क्रॉस, 3:9, 9:6, 4:4, 9:6, 4:4, ठीक है। अब इसमें पूछा गया ए की आय का 1/3 भाग, यानी ए की आय का 1/3, ए की आय का 1/3 कितना हो गया 1/3 कितना हो गया 3, और सी की आय के 1/4 भाग से 100 अधिक है, सी की आय से 1/4 भाग से 100 अधिक है, तो ये कितना अधिक है, इसका मान कितना अधिक है 2, कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का मान किसके बराबर 1000 के बराबर, 2 का मान किसके बराबर 1000 के बराबर, कितने गुना है 500 गुना, कितने गुना है 500 गुना। अब जो कुछ पूछा गया है वो सब कुछ 500 गुना होने वाला है, तो बी की आय पूछी गई तो बी की आय भी 500 गुना हो जाएगी, तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी होगी 500 गुना 6 यानी 3000, यानी 3000 रुपए, बी की आय कितनी है 3000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए 3000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर सिंपल है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, आप फिर से एक बार देखिए और फिर करके देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया गया, 10:7, 10:7, उस परिवार का व्यय 1000, 10,500 हो, उस परिवार का व्यय यानी 7 की वैल्यू किसके बराबर है 10,500 के बराबर, 7 की वैल्यू 10,500 के बराबर है, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो यहाँ पर अनुपात में बचत कितनी है 3, अनुपात में बचत कितनी है 3, कितने बचा रहा है 3 बचा रहा है, तो 3 की वैल्यू पूछी है हमसे, तो 7 की वैल्यू दी गई है हमको 10,500 और 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसका डिवाइड और जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसका मल्टीप्लाई और जिसकी वैल्यू दी गई है उसका डिवाइड करना है, तो 1000 10,500 / 7 × 3 तो कितना आ गया है, 7 से काट 1 बार 7 से काट 15 यानी 4500 रुपए, कितनी आ गई बचत, कितनी आ गई 4500 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 4500 रुपए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, अगर कोई फिर भी कोई टाइप डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इससे अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उस क्वेश्चन का दोबारा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108,
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 बोल दिया गया, 108 दिया गया है, एक ए और बी के साप्ताहिक आय का अनुपात, यानी ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है 9:7, 9:7, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया, 9:7, उनके व्यय यानी इनकम का कितना दिया गया, 9:7, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया गया, 4:3, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया गया, 4:3, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया गया, 4:3, यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हो, 200 रुपए बचाते हो, दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ऊपर का रेशियो में अंतर और नीचे का अंतर सेम होना चाहिए, नीचे का अंतर कितना है 1, ऊपर का अंतर कितना है, ऊपर का अंतर कितना है 2, तो अगर अंतर सेम नहीं तो अंतर सेम बनाएंगे, अंतर सेम कैसे बनाएंगे, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे से मल्टीप्लाई, यानी 2 है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंतर यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो 9:7, 9:7 यहाँ पर देखिए 9:7 ये कितना हो गया, 8:6, अब आप देख सकते हो अंतर यहाँ पे सेम हो गया, अंतर यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2 का है, अंतर यहाँ पे सेम हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक 200 रुपए बचाता है, 200 रुपए बचाता है, यहाँ पे अनुपात में कितना बचा रहा है, 7 में से 6 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 200 के बराबर, 1 की वैल्यू 200 के बराबर है। अब आपसे जो कुछ पूछा गया उसे 200 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दोनों की साप्ताहिक आय का योग, दोनों की आय का योग, 9:7 कितना हो गया 16, 9:7 कितना हो गया 16, 9:7 16, तो ए प्लस बी की आय का योग कितना हो गया 16 गुणा 200 यानी 3200 रुपए, यही आपका आंसर है 3200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 109, ए और बी की आय का अनुपात, यानी ए और बी की आय का अनुपात 109, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया, कितना दिया गया, ए और बी की आय का अनुपात 2:3, 2:3, उनके व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया गया, 1:2, 1:2, प्रत्येक की बचत 24,000 रुपए है, प्रत्येक की बचत कितनी है 24,000 रुपए। अब पहले अनुपात में अंतर देखिए, अंतर कितने का 1 का, अंतर कितने का 1 का, ठीक है अंतर सेम है, तो अब देखिए प्रत्येक कितने रुपए बचा रहा है, ये 2 रुपए कमाता है 1 रुपए खर्च करता है, तो कितनी बचत होगी 1 रुपए की, इसमें देखिए 3 रुपए कमाता है 2 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी 1 रुपए की, तो बचत कितने की 1 की, 1 की वैल्यू किसके बराबर 24,000 रुपए, 1 की वैल्यू किसके बराबर 24,000 रुपए। आपसे पूछा गया 1 की आय, 1 की आय कितनी है 2, तो इसे 24 गुना 2 को कितने गुना कर दीजिए 24,000 गुना, मतलब 1 की आय, 1 की आय बराबर कितना हो गया 2 गुना 24,000, 2 गुना 24,000 यानी 48,000, 1 की आय कितनी होगी 48,000, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 110, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 1:1 कितना, क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना दिया है 6:5 इनकम का अनुपात है, और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया, एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया 4:3, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 4:3। अब आपसे पूछा गया प्रतिमाह 400 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, 400 रुपए की बचत करता है तो मासिक आय कितनी होगी, सबसे पहले अंतर देखिए कितने का अंतर 1 का अंतर, कितने का अंतर 1 का अंतर, अंतर सेम है, 6 रुपए कमाता है 4 खर्च कर देता है कितने की बचत होगी 2 रुपए की बचत, 5 कमाता है 3 खर्च कर देता है कितने की बचत होगी 2 रुपए की, तो 2 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है, तो 2 रुपए की वैल्यू हमको दी गई है किसने, कितने के बराबर दी गई 400 रुपए के बराबर, 400 रुपए के बराबर, ये कितने गुना हो गया 200 गुना, कितने गुना हो गया 200 गुना, तो आपसे जो कुछ पूछा गया वो सब कुछ 200 गुना होने वाला है। उनकी मासिक आय, उनकी मासिक आय दोनों की मासिक आय अनुपात में कितनी दी गई 6:5 11, तो ए और बी की मासिक आय कितनी होगी 6:5 11 × 200 यानी 2200, कितना हो गया 2200 रुपए, कितनी होगी 2200 रुपए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए 2200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 111, ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है, क्वेश्चन नंबर 111,
ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया गया है? 2:3:5, 2:3:5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, तो सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है। अनुपात में देखिए कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? 3 अधिक। 3 का मान कितने के बराबर? 1200 रुपए के बराबर। 3 की वैल्यू कितने के बराबर? 1200 रुपए के बराबर। कितने गुना है? 400 गुना। कितने गुना? 400 गुना। तो अब जो कुछ भी पूछा जाए वो सब तो 400 गुना होने वाला है। आपसे पूछा है बी की वार्षिक आय, बी की वार्षिक आय अनुपात में क्या दिया है? ए की मासिक आय। तो हम वार्षिक निकालेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी की वार्षिक आय कितनी आ गई? 3 × 400 × 12, 3 × 400 × 12, यानी बी की वार्षिक आय कितनी आ गई? 1200 × 12, यानी 144,000 रुपए, 144,000 रुपए। कितना आ गया? 14,400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है दोस्तों, सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट इतना का है, इतना सा ट्विस्ट है कि उसमें दिया गया है मासिक वेतन, मासिक वेतन का अनुपात दिया गया है 2:3:5। आपसे पूछा गया वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ ज्यादा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 112 है, क्वेश्चन नंबर 112 है। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, इसके आगे 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा कल। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे एज, कल से हम स्टार्ट करेंगे एज। चलिए आज की सेवा यहीं पे स्टार्ट खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।